अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक रेयान अदनान कुकिंग चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और खुर्रम रखे। चले जी, टाइम वेस्ट किए बगैर आज की रेसिपी शुरू करती हूँ, जो कि ये बहुत अच्छी और रेसिपी है। ये है गुलर, जो कि इस सीज़न में आते हैं। ये 2 किलो हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में धो लिया था और इसको ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा काट कर इसको मैंने काट लिया। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। देखें, इस तरह से कटिंग कर लिया बारीक बारीक, और ये थोड़ा सा ब्लैक की तरफ भी चला जाता है क्योंकि आयरन होता है इसके अंदर। ये देखिए, मेरे हाथ भी इस तरह से हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद कलर इसका छूट गया था। अब ये इस तरह से मैं काट लूँगी। 1 किलो गुलर पकाऊँगी प्याज के साथ। ये कीमे के साथ भी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़े की डिश बनती है ये। सबसे पहले कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूँगी 1 प्याली भर के, उसको गर्म करूँगी। गर्म करके इसके अंदर 1 टीस्पून थोड़ी इसके अंदर पहले सबसे पहले मैं ये गुलर जैसे यहाँ कटे हुए काटे हुए थे ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको तकरीबन कलर के चेंज हो जाने यानी गोल्डन कर लेंगे इसको, लाइट गोल्डन। जब तक नहीं हो जाते इसको हम भून लेंगे। सबसे पहले तेज़ आंच पर मैं इसको भून लूँगी, फिर जब कलर चेंज हो जाने लगेगा तो फिर मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लूँगी। कुल 8 से 10 मिनट में ये हमारा तैयार हो जाएगा। देखें, गोल्डन हो गए हैं तकरीबन। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर भी कर दिया था, तो फिर अब मैं इसको लीड इसकी उठाकर देख चेक करूँगी। काफ़ी हद तक इसी में गल गए हैं ये, और इसको चम्मच से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ये काम हो रहा है। ये देखें, कलर चेंज हो गया है, गोल्डन की तरफ जा रहा है। अब मैं ये देखें, करीब से दिखाती हूँ आपको, काफ़ी हद तक गोल्डन हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं सबको अलहदा से निकाल लूँगी। ये देखें, चेक करें आप, और ये बहुत हद तक गल गए हैं। सारे मैं निकाल लूँगी इसमें से चम्मच की मदद से। जो इसमें ऑयल वगैरह होगा वो इसमें ही रह जाएगा, बाकी कुछ जो इसमें लगेगा जब हम ये डालेंगे सालन में तो सारा लेवल बराबर हो जाएगा ऑयल का। ऑयल या घी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब देखें, इसी ऑयल में जो बचा हुआ था इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के ज़ीरा डाल दिया। थोड़ा क्रैकल कर लूँगी, थोड़ी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर मैं दो लार्ज साइज़ की प्याज रफली ऐसे काट कर बारीक बारीक वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको लाइट पिंक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि सब्ज़ियों में डार्क ब्राउन प्याज नहीं जाती, उससे जायका कड़वा हो जाता है। थोड़ा पिंक हो जाए, हल्का सा लाइट बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन कुटा हुआ ये डाल दूँगी, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसकी स्किन मैंने उतार दी थी और उसको रफली काट लिया, और ये मिर्चें जो ग्रीन मैंने फ्रीज की हुई हैं, ये 4 अदद मिर्चें पिसी हुई ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अब इसको थोड़ी देर 2 से 3 सेकंड तक मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर इसमें मसाले डालूँगी, नमक 1 टीस्पून भर के, मिर्चें 1 टीस्पून भर के, हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये थोड़ी सी कश्मीरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर डाली हैं 1/2 टीस्पून। इसको पहले मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, फिर थोड़ा सा पानी डालकर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको मैं चम्मच हिलाते हुए भून लूँगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें। जब अच्छी तरह से मसाला हमारा भून जाएगा
तो फिर मैं इसके अंदर ये सारे गुल्लड़ जो से मैंने फ्राई किए थे ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे, सब इसके अंदर ही डाल देंगे। अब मैं तेज़ आंच पर इस मसाले के साथ इन फ्राई गुल्लड़ को अच्छी तरह से भून लूँगी चम्मच चलाते हुए। जब अच्छी तरह से मसाला हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम वाली आँच कर दूँगी और नीचे तवा रख दूँगी। ये देखें लुक इसका चेक करें, काफ़ी हद तक हमारे पहले ही गल गए थे। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी और ये देखें बहुत ही टेस्टी और मज़े की शानदार रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। 8 से 10 मिनट तक और पकाऊँगी और फिर मैं इसको सर्व करूँगी। इस रेसिपी को आप फॉलो करें और फुल वॉच करें ताकि आपको पता चले कौन सी चीज़ मैंने किस वक्त डाली है। अगर ज़रा भी आपको पसंद आए तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक वगैरह भी ऊपर से डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला और जायका इसका बहुत ही टेस्टी और मज़े का। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलें जी, मिलती हूँ किसी भी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। हो गया।